फ्रेंड, मैं और मेरे अंकल का लड़का आज एक माता जी के मंदिर में जा रहे हैं, जो बहुत ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर बना हुआ है। फ्रेंड्स, आप भी देखकर खुश हो जाओगे। तो मैं आपको वहां जाने के बाद में दर्शन कराऊंगा, पर अभी मेरे रास्ते में फ्रेंड्स आ रहे हैं गाड़ी लेकर, तो मैं गाड़ी से जाऊँगा फ्रेंड्स, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और अभी हम रास्ते में पैदल चल रहे हैं, उसके बाद में गाड़ी से जाएंगे, और पहुँचने के बाद में वहाँ आपको कुंड बने हुए हैं, माता जी का मंदिर है, वो सब हम दर्शन कराएंगे आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ गाड़ी में और मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं। मैंने बोला था पीछे आपको कि मैं गाड़ी में मेरे फ्रेंड से मिलने के बाद दिखाऊंगा, तो अभी हम जा रहे हैं रास्ते में, और माताजी के पहुँचते ही हम माताजी के मंदिर में दर्शन कराएंगे। हम आ गए हैं माता जी के मंदिर में, और फ्रेंड अभी हम माता जी के मंदिर में ऊपर जा रहे हैं, और आगे आगे वो मेरे फ्रेंड सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं। अभी हम ऊपर जाने के बाद सबसे पहले आपको माता जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं, फिर उसके बाद नीचे एक शिव जी का मंदिर बना हुआ है उसके दर्शन कराऊँगा, फिर आपको मैं एक गहरा कुंड बना हुआ है उसके भी दर्शन कराऊँगा। ये देखिए माता जी की सीढ़ियाँ हैं इधर, अब मैं अंदर जा रहा हूँ। गाइज, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ मंदिर में, और देखो कितनी अच्छी सजावट है, कितना बड़ा मंदिर है, और इधर दान पात्र है। ये माता जी के दर्शन कीजिए फ्रेंड, और वो सबसे आगे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वही माता जी की रियल प्रतिमा है, और इस माता का नाम मनसा माता है। और फ्रेंड, ये बाहर और छोटी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और इधर पंडित जी हैं। ये देखिए फ्रेंड, माता जी के मंदिर से नीचे का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। इधर मेरे फ्रेंड आराम कर रहे हैं, और वह लोग पूरा देखना प्लीज़। अभी हम मौत का कुंड भी दिखाएंगे, माता जी के मंदिर के दर्शन कराएं, और अभी हम नीचे जा रहे हैं, आपको कुंड भी दिखाते हैं। और नीचे देखो उधर एक बंदर बैठा है, उसको हम प्रसाद खिलाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, माता जी के मंदिर से नीचे शिव जी का मंदिर बना हुआ है, आप अंदर से दर्शन कीजिए। ये देखो महादेव जी का कितना सुंदर मंदिर है, और फ्रेंड्स अभी मैं आपको कुंड भी दिखाता हूँ। ये देखो फ्रेंड, मैंने बोला था कि मैं वहाँ जाने के बाद में आपको कुंड भी दिखाऊंगा, तो यही वो कुंड है फ्रेंड, जो बहुत गहरा पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। यहाँ पर काफ़ी लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर पहले अलग से कोई कुंड नहीं था, अब अलग बना दिया है, और ये काफ़ी गहरा है, इस पर अभी पाबंदी लगा दी है। और ये आसपास का एरिया है, चारों तरफ पहाड़ है, और ये मंदिर जो है काफ़ी ऊँचाई पर बना हुआ, कितना नाइस व्यू है। यही फ्रेंड वो दो अलग से कुंड बने हुए हैं, यहाँ पर बारिश के समय ही पानी भरा रहता है, वैसे इस टाइम पर ये सूखे हैं, देख लो इसमें पानी नहीं है। जब बारिश होती है, सावन का महीना होता, तब यहाँ पर हरियाली भी बहुत होती है, और ये कुंड भरे हुए होते हैं, काफ़ी लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, दर्शन भी करते हैं। और इसके पास में ही वो उधर पीछे है माता जी का मंदिर, आपको दिख रहा होगा। और इधर ये देखिए, ये जो चारों तरफ मकान दिख रहे हैं, ये धर्मशालाएं बनी हुई हैं, यहाँ पर बाहर से जो लोग आते हैं वो यहाँ रात को रुक जाते हैं, और भंडारा प्रसाद बनाते हैं, और माता जी को भोग लगाते हैं। ये फ्रेंड गाड़ी खड़ी है, और अभी हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं। आज मैंने आपको माता जी का दर्शन कराया, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।